शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसका वास्ता सीधे सीधे इंसानी जिंदगी से जुड़ा है, या फिर कहें कि सांसों की डोर से जुड़ा है। इसे हवा में घुलता जहर हर पल कम करता जा रहा है। बात प्रदूषण के खतरे की हम कर रहे हैं। इसने आज पूरी दिल्ली को स्मॉग की चादर में, स्मॉग मतलब स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन, इसकी चादर में ऐसा लपेटा है कि लोग हैरान परेशान नजर आए हैं। आप भी रिपोर्ट देखिए, दिल्ली का हाल देखिए। दिल्ली में पॉल्यूशन अब जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। सुबह से हालात ऐसे होते हैं कि रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन दिन ढलने के बाद भी कहीं न कहीं ये जो धुआं है वो कम नहीं होता। दरअसल ये कोई फॉग नहीं जो ठंड की वजह से आता है, ये स्मॉग है, यानी कि जहरीला धुआं जो बेहद ही हानिकारक है। सुना आपने, ये हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली के, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो दिल्ली में प्रदूषण का आपातकाल लागू हो चुका है। बुधवार की सुबह जब लोगों की आंख खुली तो नज़ारा देखकर हर कोई दंग था। हर तरफ धुएं की चादर दिखी। एक बारगी तो लगा कि अचानक ही बीती रात ठंड का कहर छा गया। लेकिन ज़रा रुकिए, यह धुंध कोहरे की नहीं बल्कि स्मॉग है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली पर धुंध की चादर, घुट रहा है दिल्ली का दम। दिल्ली में जानलेवा स्मॉग। दिल्ली को जहरीली हवा ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। हवा में जहर इतना कि अब इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। दिल्ली की हवा में नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसें अपने खतरनाक स्तर पर हैं। पार्टिकुलेट मेटल यानी पीएम भी मानक से कई गुना ज्यादा हो चुका है। बुधवार सुबह दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 465 तक पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक है। पीएम 10 का स्तर 432 पर था, ये लेवल भी खतरनाक है। ये धुंध सेहत के लिए खतरनाक है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों को भी नुकसान होता है। बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत। क्या वजह है, क्यों ये हो रहा है? ये हमारे लोगों की कमी से, हम लोगों ने उस चीज को अपनाया नहीं, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। दैट्स व्हाई लोग दिल्ली को छोड़ के, ऑब्वियसली छोड़ के बाहर लोकेट कर रहे हैं। दैट्स द मेन रीजन इज कि लोग जो है दिल्ली को छोड़ रहे हैं। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि अब सांस लेना भी मौत को दावत देने जैसा हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूषित हवा शहर को रहने वालों को अस्वस्थ बना रही है। हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण शहरों में प्री मेच्योर मौतें हो रही हैं। वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा कीमत दिल्ली वालों को अदा करनी पड़ रही है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि जिंदगी से सीधे सीधे करीब 6 साल कम हो रहे हैं। उधर मौसम विभाग को अगले 48 घंटे में दिल्ली की हवा में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। जो परिस्थिति होती है विंटर की, तो यहाँ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहां से आपकी नॉर्थ वेस्टर्न इवेंट्स आ रही हैं, तो जनरली दे आर कूलर विंड्स, और इसी के प्रभाव से थोड़ा टेम्परेचर स्लोली स्लोली फॉल होना, ग्रेजुअल फॉल टेम्परेचर में गिरावट आती ही है। यही मैंने आपको बताया, ये 48 आवर्स में हम उम्मीद कर रहे हैं, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अप्रोच करने के बाद ये चीज हो जाए। साफ है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा अब खतरनाक हो गई है। अगर जल्द इससे निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसकी कीमत न केवल आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। दिल्ली से ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।